हे ब्यूटीज, लेट्स स्टार्ट द मेकअप। सब स्टार्ट करने से पहले मैं लगाऊंगी टोनर। इसके लिए मैंने गुड वाइब्स का रोज हिप स्किन क्लेरिफाइंग टोनर का यूज किया है। इसके बाद मॉइस्चराइजर के लिए मैंने निविया सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइजिंग क्रीम का यूज किया है। इसके बाद मैंने बायोटिक का बाय फ्रूट व्हाइटनिंग लिप बाम का यूज किया। लिप बाम लगाने के बाद गाइज मैंने फाउंडेशन के लिए लैक्मे 905 प्राइमर प्लस मैट परफेक्ट कवर फाउंडेशन का यूज किया है। एंड गाइज आई मस्ट से कि ये फाउंडेशन आपको जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड है। ऐसा लगता ही नहीं कि हमने बहुत सारा फाउंडेशन लगाया है। एकदम लगाने के बाद, अच्छे से ब्लेंड करने के बाद ना एकदम नेचुरल लुक आता है। सो आई मस्ट से कि आपको ये यूज़ करना चाहिए। एंड फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए मैंने आज स्विस ब्यूटी के फाउंडेशन ब्रश का यूज़ किया है। एंड गाइज अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो ब्रश से फाउंडेशन को ब्लेंड करने में, तो आप ना ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हो। बस आपको ब्यूटी ब्लेंडर को थोड़ा सा पानी में डैम कर लेना है एंड स्विच करके आपको अच्छे से यूज़ कर लेना है। एंड कंसीलर के लिए मैंने यूज़ किया स्विस ब्यूटी का, एंड इसका शेड है शायद 02। एंड अगर मैं कंफर्म नहीं हूँ तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैंशन कर दूँगी कि कौन सा शेड है। मैंने कंसीलर को भी उसी फाउंडेशन ब्रश से अच्छे से कह सकते हो कि ब्लेंड किया है, एक्चुअली किया है मैंने उसे अच्छे से ब्रश से ही ब्लेंड किया। एंड गाइस रियली मुझे ये वाला ब्रश ना बहुत ज़्यादा पसंद आया। कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद मैंने लैक्मे रोज पाउडर से इस तरीके से अपने मेकअप को थोड़ा थोड़ा सेट किया है। और आईब्रो फिल करने के लिए मैंने स्विस ब्यूटी के आईब्रो पेंसिल जो ग्रे कलर में है, गाइस ये ब्राउन कलर में भी आती है, बट आज मैंने ना ग्रे कलर वाली पेंसिल का ही यूज़ किया है। आईब्रो फिल करने के बाद गाइज मैंने आई शेडो के लिए यूज़ किया लैक्मे एब्सोल्यूट का इन्फिनिटी आई शेडो पैलेट। दिस इज द बेस्ट आई शेडो पैलेट फॉर बिगिनर्स, रियली काफ़ी पिगमेंटेड भी है। इस पैलेट से लाइट पिंक कलर लेके मैं अपनी क्रीज लाइन पर लगा के उसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। आफ्टर दैट मैंने एक दूसरा आई शेडो पैलेट लिया और उससे ग्रे कलर लेके अपने आउटर वी और इनर वी पे अप्लाई किया एंड दूसरा ब्रश लेकर उसे अच्छे से ब्लेंड किया। ब्लेंड। यस गाइस, जितना हो सके आई शेडोज को अच्छे से ब्लेंड करना और फिर देखना आपका आई मेकअप बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला है। ग्लिटर के लिए मैंने हिलेरी रोडा का सिल्वर ग्लिटर यूज़ किया है। द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज सो। आई लाइनर के लिए आज मैंने फेसिस कनाडा का मैग्नेट आइस आई लाइनर यूज़ किया है और ये आई लाइनर वाटर प्रूफ आई लाइनर है। आज के मेकअप में मैंने जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं उन सभी प्रोडक्ट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन देने वाली हूँ, आप जाके डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो गाइज। फिर से मैंने लाइट पिंक कलर लेके अपनी लैश लाइन के नीचे अच्छे से अप्लाई किया और ब्लेंड किया। आफ्टर दैट मैंने ग्रे कलर भी लेकर थोड़ा सा अपने लैश लाइन के ऊपर अप्लाई किया है। आफ्टर दैट मैंने लूज पाउडर को डस्ट आउट किया एंड अब मैं करूँगी अपनी फेस की कॉन्ट्रोरिंग। इसके लिए मैंने शुगर का कॉन्ट्रोर द फोर्स फेस पैलेट का यूज़ किया एंड इसका शेड है 01। नोज को कॉन्ट्रोर करने के लिए मैंने एक फ्लैट ब्रश का यूज़ किया है। एंड गाइस, आपको मेरा ये आज का लुक ज़रा सा भी पसंद आ रहा है ना, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। और ऐसे ही मेकअप लुक आगे भी दिखना चाहते हो तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड सब्सक्राइब करके ना बेल बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन करना है, जिससे कि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेगा। तो अपने फेस के कॉन्ट्रोर पॉइंट्स को मैंने अच्छे से कॉन्ट्रोर किया है। ब्लश लगाने के लिए भी मैंने इसी पैलेट का यूज़ किया और हाइलाइटर के लिए भी मैंने इसी पैलेट का यूज़ किया है। और इसका हाइलाइटर, ओ माय गॉड, दिस इज सो पिगमेंटेड। मैंने अपने हाइलाइटर पॉइंट्स पे इस हाइलाइटर को लगाया एंड लुक एट दैट, ओह रियली। आफ्टर हाइलाइटिंग माय फेस
मैंने लगाया लिपस्टिक और इसके लिए मैंने यूज़ किया है हिलेरी रोडा का ये लिक्विड मैट लिपस्टिक। दिस इज़ माय ऑल टाइम फेवरेट लिप कलर। अगर आपको ये परचेज करना है तो मैं इसका लिंक ढूंढ कर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूँगी। आफ्टर अप्लाइंग लिप कलर मैंने लगाया मस्कारा और मस्कारा के लिए मैंने यूज़ किया मेबलिन न्यूयॉर्क का हाइपर कर्ल वाटरप्रूफ मस्कारा। मस्कारा लगाना यानी कि ऐसा काम जो बहुत ही ज़्यादा सीरियसली करना चाहिए। लुक एट दैट। तो मैं इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई ना मस्कारा अप्लाई करते टाइम, और लेफ्ट हैंड से तो बिल्कुल हो ही नहीं पा रहा था, राइट से किया और ये देखो। बट लास्टली कर लिया। एंड फॉल्सीज मैंने रेड चेरी की 3D आईलैशेस जिसका नंबर है आई थिंक 026। ऐसे तो फॉल्सीज लगाना बहुत ही आसान है, लेकिन कभी कभी ना फॉल्सीज लगने में ना बहुत टाइम लगाती है यार। फाइनली आई फिक्स माई आई लैशेस एंड अब मैं लगा रही हूँ स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर। सो दिस इज द फाइनल मेकअप लुक। होप यू लाइक इट गाइस। सो लेट्स मीट इन अ न्यू वीडियो। सो टेक केयर एंड बाय। लव यू।